वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गली गली जायका में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सरिता, सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आई हूँ सिविल लाइंस में और यहाँ से जाते हुए जो है मुझे कॉर्नर पे रोड साइड एक आंटी दिखी है जो कि गर्मा गर्म खाना बना रही है। तो चलिए चलते हैं उनके पास और देखते हैं क्या बना रही है और फिर आपको बताते हैं। राधे राधे दीदी, कैसे हो आप? बढ़िया दीदी। आपका नाम क्या है? सीता। भैया आपका नाम क्या है? नील कुमार। अच्छा जी, ये खाना कब से लगा रहे हो आप यहाँ? हमें 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। और भैया आप इनके साथ? हाँ बराबर। अच्छा, इससे पहले कुछ पहले मैंने अकेले शुरू किया था। अच्छा, ये स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते थे। इसी स्कूल में पढ़ते हैं आपके बच्चे? पढ़ते थे, अब तो स्कूल हट गया ये। हाँ। फिर हमने और कोई काम था नहीं, हमने बच्चों का भी थोड़ा सा यार आएंगे तो बच्चों का भी देखभाल हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। फिर हमने शुरू कर दिया यहीं पे काम। इससे पहले भी कुछ करते थे आप? हम एक्चुअली पहले जॉब कर रहे थे होटल लाइन में। अच्छा, तो जॉब छोड़ दिया आज 15-16 साल पहले। ये सामने होटल में, इसके अंदर मेरी कंटीन थी पहले। अच्छा, कैंटीन में काम करते थे? तो कंटीन थी, फिर कुछ दिक्कत आ गई तो हमने कंटीन बंद कर दिया। हमने यहीं पे शुरू कर दिया, सब जानते भी थे यहाँ आसपास, स्कूल में भी सब टीचर लोग सब जानते थे, वो भी खाते पीते थे। अच्छा, तो फिर यहीं शुरू कर दिया, यहीं चलने लग गया। तो शाम को हम रोल का काम करते हैं सिविल लाइन मेट्रो में ना। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, तो घंटा यहाँ करते हैं 10 बजे, 10:30 बजे आते हैं। 7 डेज मतलब काम करते हो? संडे को छुट्टी करते हैं। संडे को छुट्टी करते हैं, संडे को खाली शाम को करते हैं बाकी और दिन। बहुत अच्छी बात है क्योंकि घर का खाना तो हमें मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई बना ही रहा है, लेकिन गर्मा गर्म जो आंटी रोटियां बना रही है ना दीदी, इसको देख के हम आ गए आपके पास और सोचे आपसे बात करते हैं। तो जो ये खाना आपने शुरू किया 8-10 साल पहले, तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई या नहीं? प्रॉब्लम बहुत सारी हुई, MCD से, कमेटी से, हर जगह से। फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया, अब चल रहा है। पहले लोग सोचते थे अरे रोटी कौन खाएगा, पराठा चाहिए, ये चाहिए। फिर हमने सोचा नहीं, हम रोटी बनाएंगे, रोटी ही करेंगे। पहले हम घर से बना के लाते थे। तो अभी कस्टमर रोटी? हाँ, अभी रोटी हमसे, हमारा जो इतना भी सामान लाते हैं 2-2.5 बजे तक खत्म हो जाता है। अच्छा, और कितने बजे आते हो? 10-10:30 बजे आते हैं। 10:30 बजे आते हैं। कितने बजे सुबह उठ के तैयारियां करते हो खाना बनाने की? अब ये सब 5 बजे उठ के यही करते हैं। सब्जियां घर से बना के लेके आते? सब बना के लाते हैं, खाली रोटी यहाँ बनाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। सब चीज़ें और हमारे पास एक जैसे आज मंगलवार को कड़ी होती है, बाकी दाल और एक सूखी सब्जी और एक पनीर की सब्जी। अच्छा, 3 सब्जियां करते हो? आज कितनी सब्जी है? आज 2 ही है। आज 2 सब्जी? आज छुट्टी का दिन था ना इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। वैसे कस्टमर जो आते हैं खाना खा के मतलब क्या कहते हैं टेस्ट के बारे में? हाँ, जो भी खाता है कहता बढ़िया ही खाना है। बढ़िया है, रेगुलर कस्टमर भी होंगे? ज्यादातर हमारे रेगुलर कस्टमर है, ऑटो वाले या ऑल ओवर वाले, टैक्सी वाले होते हैं वो। टैक्सी वाले तो जो अगर इस एरिया में आते हैं तो खाना खाने जरूर आते हैं हमारे पास। हाँ, बहुत सही है। वैसे कितने रुपए की प्लेट देते हैं आप? 4 रोटी और 2 सब्जी 40 रुपए देते हैं, और चावल भी होता है हाफ चावल 20 रुपए का। अच्छा, चावल भी लाते हैं? आज लाए आप चावल? अब खत्म हो गया तो चावल। अच्छा, खत्म हो गए वैसे लाए थे? हाँ, दिल्ली जाते हैं। तो बहुत बढ़िया है, खाना जो है आपको प्रॉपर ही मिल रहा है, जिसमें चावल है, 4 रोटी है, और भैया कह रहे हैं कि 3 सब्जियां लाते हैं, लेकिन आज छुट्टी के चलते वो 2 ही सब्जी लेकर आए हैं। पनीर आप थोड़ा टेस्ट भी कर लीजिए। हम भी एक थाली टेस्ट करते हैं भैया से लेके। इधर ले लीजिए। हमारी थाली रेडी हो चुकी है जिसमें भैया ने दिए हमें, अभी स्टार्टिंग में 2 ही रोटी दी है, 2 बाद में देंगे, गर्मा गर्म बन रही है। साथ में है आलू और पालक की सब्जी, ये है कड़ी और इसमें है पकोड़ा। इसमें भैया कह रहे हैं चिल्ली होती है इसमें, जो ये पकोड़े हैं भैया सबकी थाली में वैसे 2 पकौड़ी होती है, और जो रेगुलर कस्टमर है उनके लिए स्पेशल ऑफर है, 3 पकौड़ी डालेंगे उसमें। और ये है आपका सलाद अनियन और ये आपकी मिर्च। तो अभी चलिए ट्राई करते हैं, एक बाइट लेते हैं। रोटी जो है बहुत सॉफ्ट है, पतली है, ज़रा मोटी भी नहीं है। पहले लेते हैं पालक की सब्जी। इसमें आपने लहसुन भी डाला है? जी, पालक और आलू की सब्जी में ज्यादा मसाला यूज नहीं करते? नहीं, मसाला बिल्कुल नहीं है, मतलब नॉर्मल है। जैसे आप एक बाइट लेते हैं तो इसकी सब्जी में आपको लहसुन का जो फ्लेवर मिलेगा वो बहुत अच्छा है। दूसरी बाइट ट्राई करते हैं। कड़ी जो है खट्टी है, मैं नॉर्मल खट्टा खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती, तो मेरे हिसाब की बिल्कुल, पर मुझे जो ज़्यादा सब्जी अच्छी लगी है वो है पालक वाली। तो मैं एक बार डेली हम आइटम चेंज करते रहते हैं, एक ही आइटम डेली कंटिन्यू नहीं करते,
डेली चेंज करते हैं आइटम। हाँ, कस्टमर का मूड नहीं होता ना, डेली एक चीज खाए। मंगलवार को कड़ी होती है, बाकी और दिन दाल, फिर राजमा, छोले, पराठे वगैरह भी लाते हो? पराठे नहीं, रोटी से ही टाइम नहीं मिलता तो पराठे नहीं बनाते। ओके ओके ओके। नहीं, आपका खाना जो है एकदम घर का स्वाद है, नो एक्स्ट्रा ऑयल, नो एक्स्ट्रा बटर, ना मसाला, एकदम नॉर्मल, कोई भी आराम से खा सकता है और बहुत अच्छा है। हमारे पास ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो ये ऑयली सब चीज़ पराठे सब चीज़ खा के थक चुके होते हैं, वो ढूंढते हैं कि रोटी हमें कहीं मिल जाए सादा सिंपल। और वो लोग आते हैं खा के इतना खुश होते हैं कि हाँ, बोले आज कई महीने बाद ऐसे घर का खाना मिला है। बिल्कुल, क्या होता है ना, नॉर्मली बंदा जो है बाहर का खाना खा के ऊब जाता है, जाता तो उसको घर का खाना चाहिए। जी जी। और आप जैसे लोग ही जो है उनको घर का खाना प्रोवाइड करें। कितने की थाली है ये? चार रोटी है, दो सब्जी, 40 रुपए की। 40 रुपए की है। हम सब्जी एक्स्ट्रा भी देते हैं, मतलब जितना मतलब खा ले वो उतना आप दे देते हैं। दोनों सब्जी दोबारा मांगते हैं, दोबारा देते हैं, तीसरी बार मांगे तीसरी बार देते हैं, सब्जी के लिए कोई मना नहीं है। और बहुत अच्छा है, आपको गर्मा गर्म रोटी मिल रही है। बाकी आप कहीं भी जाते हैं घर के खाने के लिए तो वो बना के लेके आते हैं घर से, लेकिन यहाँ पे जो दीदी है वो गर्मा गर्म घर की तरह आपको बना के दे रही है, तो 40 रुपए में बहुत बढ़िया है। आप यहाँ आते हैं और राइस भी अगर ले तो 10 का भी देते हैं खाने वाला हो। अच्छा, अपने अपने क्वांटिटी साथ नॉर्मल क्वालिटी के राइस होते होंगे आपके? हम उसे ठीक ही राइस प्लेन लाते हैं, जीरा प्लेन राइस लाते हैं, प्लेन राइस लाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर थाली आपको मिल रही है, आप 50 रुपीज में लगा लीजिए, चार रोटी राइस नहीं, बहुत सही है। ये जो प्रॉपर थाली है ये आप कहीं भी रेस्टोरेंट में लेते हो तो आपको 70-80 रुपीज तो मिनिमम पड़ ही जाता है। तो और वो लोग तो एक्स्ट्रा दवा डालते हैं, एक्स्ट्रा दे ना दे, और फिर नॉर्मल बंदा हर रोज 80 या 100 रुपीज नहीं एक्सपेंड कर सकता, क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी है वो खाने कमाने वाला आदमी, तो ये उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आप भी यहाँ आ सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, भैया और दीदी को सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने तो इनकी खाना खाया, बहुत बढ़िया लगा। भैया एक बार एड्रेस और बता दीजिए। एड्रेस ये लुडलो कैसली स्कूल, बता दीजिए। सिविल लाइंस, लुडलो कैसली स्कूल। ओके, बाकी का जो एड्रेस है हम आपको गूगल डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो जल्दी से वहाँ क्लिक करके भैया के पास आइएगा और खाने को टेस्ट कीजिएगा। तब तक एक बात और भैया, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आपकी पहले वीडियो बनी है कभी? यहाँ तो नहीं बनी, वहाँ पे शाम को। अच्छा, बनी है। तो वहाँ पे जो फूड ब्लॉगर्स आते हैं क्या वो आपको पे करते हैं खाने का या नहीं करते हैं? कर ज्यादा तो कर देते हैं, है ना, बहुत कम होते हैं जो पे करते हैं, है ना, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को ये शिकायत रहती है कि फूड ब्लॉगर जो आते हैं वो आप लोगों को पे नहीं करते हैं। तो मैं भी मानती हूँ, हाँ ज्यादातर ऐसे ही होंगे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। जो पुराने थोड़ा सा वो है, बाकी नए जो नसीबे हैं वो पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादातर फूड ब्लॉगर्स है वो पे कर रहे हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये आप लोगों के लिए था जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि हम लोग पे नहीं करते हैं, तो हम बिल्कुल पे करेंगे भैया को, उनकी जो भी थाली का पेमेंट बनी है हम उनको देंगे। और उनसे इसी शुभकामना के साथ विदाई लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएँ तो बहुत अच्छा आपका ये जो है बिज़नेस आगे निकले और आप इसी तरह बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे।